इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई तो कुछ पीछे छूटी निशानियां। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में स्थित महोबा के सूर्य मंदिर की कहानी कुछ खास है। ऐसा माना जाता है कि सूर्यदेव सभी रोगों के नाशक हैं। सूर्य से निकलने वाली पहली किरण के संपर्क में आने के बाद स्नान करने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा ही अपनी अलौकिक छटा बिखेरता विश्व का सबसे पुराना महोबा का सूर्य मंदिर, जिसका निर्माण 890 से 910 ईस्वी के बीच चंदेल राजा राहिल देव वर्मन ने कराया था। खजुराहो के मंदिरों की शैली पर ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों से बना सूर्य मंदिर अपनी विशेष खासियतों की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मंदिर का निर्माण इस प्रकार से है कि सूर्यदेव अपनी पहली किरण की चमक गर्भगृह में बिखेरते हैं, जिसके बाद सूर्योदय होता है। इतिहास के पन्नों में कई अहम घटनाएं समेटे महोबा का सूर्य मंदिर सदियों का साक्षी है। कहा यह भी जाता है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर से काफी समय पहले ही चंदेल शासन में बुंदेलखंड में ऐसे पत्थर थे जहां सूर्य की पूजा की जाती थी। कुछ खास तरह से बने इस मंदिर को देखने की चाहत अब भी बड़ी संख्या में लोगों को महोबा खिंचलाती है। मंदिर में शिलाओं पर कई आकृतियां बनी हैं और लिखावट है। ऐसा कहा जाता है कि कोणार्क मंदिर और महोबा के मंदिर में गहरा रिश्ता है। 12वीं सदी में ही इस मंदिर के स्वरूप पर सबसे पहला वार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया और धन की लालसा से इसका कुछ हिस्सा गिरा दिया था। मंदिर के अवशेष रहेलिया सागर तट तालाब के किनारे दूर तक पहले देखे जा सकते हैं। सूर्य मंदिर से करीब 100 मीटर पहले सूर्य कुंड बना हुआ है। इसमें 30 फीट गहरा पानी भरा है। कुंड का पानी कभी नहीं सूखता, लोग यहाँ स्नान भी करते हैं। कुंड में नीचे तक सीढ़ियां बनी हैं। परिसर में काली जी का प्राचीन मंदिर भी है। अपने बुंदेली इतिहास और निर्माण कला की शैली को संजोए सूर्य मंदिर को रखरखाव की बहुत जरूरत है। चंदेल शासकों का जमाना खत्म हुए करीब 800 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी विरासत इस शहर को देकर गए हैं। वो स्मारकों और मंदिरों में आज भी जिंदा है। अगर आप उनकी इन विरासत से रूबरू होना चाहें तो बुंदेलखंड की हृदय स्थली महोबा जरूर आइएगा।